हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं आप लोग का यार सनी और लेके आ चुका हूँ गाइस आप लोग के लिए एक और जबरदस्त वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ बहुत ही उम्दा चीज जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता होगा, 10% लोग भी गिने चुने होंगे। हाँ गाइस, आप लोगों ने थंबनेल या टाइटल पढ़ लिया होगा। आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ लैग फ्री जावा एडिशन पोजेब लॉन्चर में और उसके बहुत ही उम्दा फीचर्स। हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना, एकदम उम्दा फीचर्स। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 70-80 एमपीएस में आप लैग फ्री एकदम खेल सकते हो इस मतलब पोजेब लॉन्चर में जावा एडिशन। जिन लोगों को पोजेब लॉन्चर के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं कि पोजेब लॉन्चर के हेल्प से हम लोग जावा एडिशन एंड्रॉयड में खेल सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख लेना। तो सबसे पहले गाइज, आप लोग ऑप्टिफाइन इस पर इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको ऑप्टिफाइन इंस्टॉल करना नहीं आता तो मैं अगला वीडियो इस पर बना दूंगा। और इसमें तरह तरह के फीचर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जूम, हाथ मतलब राइट लेफ्ट हैंड में आप एक टैप में मतलब स्विच कर सकते हो, चंक बॉर्डर वगैरह का भी आपको इसमें फीचर्स मिल जाएगा। और तो और गाइस, कस्टम कंट्रोल्स का भी मिल जाएगा। बहुत लोग को कस्टम कंट्रोल्स करने तो आता है लेकिन उसे अप्लाई कैसे करें अपने वर्ल्ड में ये नहीं आता। ये बारे में मतलब इसके बारे में मैं सब कुछ आपको मतलब डिटेल में पूरा बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये वीडियो को देखना होगा पूरा और गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस, एक मिनट स्किप मत करना, क्योंकि यार इसके स्टेप्स कुछ कॉम्प्लिकेटिव हैं, इसलिए वीडियो को देखना पूरा और बिल्कुल भी स्किप ना किए। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मुझे 80-85-75 एमपीएस मिल रहा है, जो कि जावा एडिशन में बहुत ज़्यादा है। और ये होगा तो लैग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलो गाइस, आपको सेटिंग्स बता देता हूँ कि कैसे आप लोग मतलब आप लैग फ्री खेल सकते हो। तो सबसे पहले ग्राफिक्स को कर लेना है फास्ट, स्मूथ लाइटनिंग को कर लेना है ऑफ, स्मूथ लाइटनिंग लेवल को बिल्कुल लो कर लेना है, और ब्राइटनेस को कर लेना है मॉडी, डायनेमिक लाइट को कर लेना है ऑफ, रेंडर डिस्टेंस को कर लेना है बिल्कुल लो, मैक्स फ्रेगमेंट लिमिटेड को कर लेना है पूरा मैक्स, और बाकी सब जितने भी मिनिमम टू मिनिमम कर लेने हैं। और फिर आपको यहाँ पे आना है, फॉग स्टार्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो, ये 0.8 पे रहेगा, इसे कर लेना है 0.2 पे। तो आप ऐसे ही एकदम लैग फ्री खेल सकते हो। तो चलो गाइस, आपको डायनेमिक लाइट के बारे में बता देता हूँ। डायनेमिक लाइट के लिए सिंपली आपको ये सेटिंग्स को कर लेना है फैंसी या फास्ट पे, और फिर आप कर लेते हैं बैक टू गेम। और गाइस, देख ही सकते हो डायनेमिक लाइट हमारा हो चुका है ऑन। और गाइस, बहुत सारे बंदे ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने ग्लास को एकदम चिपका हुआ मतलब बिना कोई लाइनिंग के लगा सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए करना क्या हो, यहाँ नीचे आपको क्वालिटी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर करना होगा क्लिक, और यहाँ पे कनेक्टेड टेक्चर को कर लेना होगा ऑन। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो हमारा ये मतलब ऑन हो रहा है और हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे कर लेना है डन। गाइस, एक बात का ध्यान रखना, ऑप्टिफाइन जरूर इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो ये नहीं होगा। तो गाइस, देख ही सकते हो ये ग्लास वगैरह सारी चीज़ें टेक्सचर जुड़ चुकी है, मतलब कोई लाइनिंग नहीं आ रही है। तो चलो गाइस, अब आपको बता देता हूँ हाइट बटन के बारे में, जैसे कि ये राइट लेफ्ट हैंड में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और गाइस, चंक बॉर्डर वगैरह वगैरह, और तो और जूम भी आपको बता देता है कि कैसे आप लोग जूम वगैरह कर सकते हो। तो सिंपली आप गाइस, आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है लेकिन समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो गाइस, अब आपको पोजेब लॉन्चर के होम स्क्रीन पर आना है, उसके बाद ऑप्शन के बटन पर क्लिक करके कस्टम कंट्रोल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको गाइस, अभी ये बटन नहीं हिलेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बटन पे एक बार कर देना है क्लिक कुछ इस तरह। उसके बाद आपको करना है एडिट, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे अरे ऊपर आ जा, डायनेमिक पोजीशन पे कर देना, मतलब इसे हटा देना है, ये ठीक रहेगा इसे हटा देना। तो आप लोग देख सकते हो हमें इसे हिला पा रहे हैं। उसके बाद आपको गाइस क्या करना है, सिंपली राइट स्लाइड करना है, ऐड बटन पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे आप लोग आप देख सकते हो कि हमारा लेफ्ट कॉर्नर में न्यू बटन का एक ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली पहले इस पर एक बार क्लिक करना है, और एडिट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे की कोड है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे मतलब नंबर्स हैं जिसके द्वारा हम डिफरेंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ़ पे क्लिक कर देते हैं, एफ़ का मतलब है
स्विच, हम मतलब हाथ से कुछ भी स्विच कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लाम दे देते हैं SWR के, तो यहाँ पे हमने स्विच लिख दिया। F का F कोड है स्विच करने का, ये मतलब आप कोई दूसरा दोगे तो स्विच नहीं होगा, सिर्फ ऐप से ही होगा। तो यहाँ पे हमने स्विच दे दिया है। उसके बाद सिंपली आपको गाइस करना क्या है, फिर से वही स्टेप्स करके ऐड बटन पे क्लिक करके फिर से एक बार इसको एडिट कर लेना है। इस बार हम बनाएंगे जूम बटन। जूम के लिए आपको सिंपली सी सेलेक्ट करना होगा, जो कि मतलब ऊपर में ही है। सी कहाँ गया भाई साहब, अरे क्या। तो यहाँ पे आपको सिंपली सी सेलेक्ट कर लेना होगा और इसे जूम नाम दे देना होगा। गाइज आप कुछ दूसरा लेटर दोगे तो ये नहीं होगा, आपको सिंपली यही देना होगा जूम के लिए या स्विच या बॉर्डर के लिए। तो सिंपली यहाँ पे इसे हम अरेंज कर देते हैं। तो चलो गाइज उसे हमने अरेंज कर दिया है, फिर से वही स्टेप्स करके एडिट कर लेना है। उसके बाद आप हमें चंक बॉर्डर का बनाना है, तो चंक बॉर्डर के लिए सिंपली हमें सेलेक्ट करना होगा जी, जो कि हमें ऊपर में ही मिल जाएगा। यहाँ पे जी हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसे नाम भी दे देते हैं बॉर्डर। तो चलो हमने इसे भी नाम दे दिया है, तो चलो टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देना है ओके। तो सिंपली इसे भी हम अरेंज कर देते हैं। तो सिंपली गाइस आप लोग देख सकते हो ये हमें मतलब सारा हाइट बटन हमारा आ चुका है। तो सिंपली यही आपको करना है, नहीं दूसरा लेटर आप करोगे तो ये नहीं होगा। तो सिंपली आपको कर देना है सेव। सेव करने के लिए सिंपली एक बार फिर से आपको राइट स्लाइड करना होगा और सिंपली कर देना होगा सेव पे क्लिक। तो यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं हम कुछ भी, टेंसेंट भाई चलो नाम दे देते हैं। तो चलो हमने टेंसेंट भाई नाम दे दिया है, डन कर देंगे, ओके कर देते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका है गाइस। सेव तो हो चुका है लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो अभी आपको बताता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए गाइस सिंपली आपको करना क्या होगा, राइट स्लाइड फिर से करना होगा और सिंपली सेलेक्ट डिफॉल्ट पे करना होगा। यहाँ पे टेंसेंट भाई आपको मतलब देखने को मिल जाएगा, मतलब आपने जिसे सेव किया है। तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और सिंपली गाइस आप प्ले पे हम क्लिक कर देते हैं पता करने के लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा ये अप्लाई हो चुका है और गाइस सारे के सारे फीचर्स और लैग फ्री हम अब खेल सकते हैं। तो चलो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइज वीडियो को एक लाइक कर देना, और गाइज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है 1K करवा दो यार। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।